हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, जी हां, UPSC से एक बड़ी खबर आ रही है इस समय। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए, जी हां, आयोग में एक बार फिर मीटिंग का दौर शुरू हो गया है। जी हां, आयोग अभी तक ऑफलाइन मीटिंग करता था, लेकिन इस समय लॉकडाउन के चलते आयोग ऑनलाइन मीटिंग करने की शुरुआत कर दी है। क्योंकि लॉकडाउन लंबा बढ़ता दिख रहा है, इससे आयोग की जो कार्य प्रणाली है वो पूरी तरह से ठप पड़ी हुई थी, जिसको आयोग ने फिर से शुरू करने की कोशिश की है। क्योंकि लॉकडाउन पूरी तरह से इस महीने के अंत तक चलेगा, जो सभी पेंडिंग रिजल्ट्स अगले माह तक आयोग जारी करने की तैयारी कर रहा है। ये बड़ी अपडेट सभी अभ्यर्थियों के लिए जिनका रिजल्ट पेंडिंग में पड़ा है। आयोग लगातार लॉकडाउन में भी काम करने पर विचार कर रहा है, किस प्रकार से ये सारे काम किए जाएं इस पर मंत्रणा चल रही है और मीटिंग का दौर जारी है। लोअर PCS, लोअर टू व जूनियर असिस्टेंट के रिजल्ट पे खास फोकस है आयोग का। तो चलिए हम देखते हैं क्या है पूरी खबर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, इसी तरह के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, भर्ती प्रक्रिया पूरी करने पर दिया जा रहा जोर, ऑनलाइन का सहारा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, पूरी खबर आपके लिए हम लेकर हाजिर हैं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने ऑनलाइन के सहारे लॉकडाउन में भर्ती प्रक्रिया पूरी करने पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के सहारे समीक्षा बैठकों का दौर शुरू हो गया है। हमने आपको पहले ही बताया था कि आयोग रिजल्ट देने की तैयारी शुरू कर रहा है, और किन रिजल्टों पर खास फोकस है वो भी हमने आपको 2-3 दिन पहले ही बता दिया था। तो अब उसका देखिए, यहाँ पे आयोग की बैठकें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जा रही हैं। आपको हमने पहले भी बताया था कि आयोग बैठकों की शुरुआत करने जा रहा है, और ठीक वैसा ही हुआ है। इन बैठकों के सारे भर्ती प्रक्रियाओं का रिजल्ट जारी करने पर विचार कर रहा है। काफ़ी भर्तियों का रिजल्ट पिछले 4 साल से 2016 की भर्ती प्रक्रियाओं का रिजल्ट अभी तक पेंडिंग में पड़ा है। कुछ के तो परीक्षाएं भी अभी तक नहीं कराई जा सकी हैं। COVID-19 महामारी के बाद लॉकडाउन होते ही आयोग ने सभी भर्ती प्रक्रियाएँ रोक दी थी और सभी कर्मचारियों को छुट्टी दे दी थी। भर्ती परीक्षाएं, प्रमाण पत्रों को मिलान, यहां तक कि आयोग की बैठकें भी स्थगित कर दी गई थीं। लॉकडाउन लंबा खिंचता देख आयोग ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस पर काम करना शुरू कर दिया है, जिससे इस बीच रिजल्ट जारी कर दिया जाए और इसके समाप्त होने के बाद भर्ती प्रक्रियाओं में तेजी ला सी जा सके। जैसे कि जो भी रिजल्ट हैं, जिनका इंटरव्यू बाकी है, रिजल्ट घोषित करने के बाद लॉकडाउन खत्म होते ही इंटरव्यू शुरू कर दिया जाए, और जिनमें सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो भर्ती प्रक्रिया का आपका खत्म होने के बाद लॉकडाउन पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू किया जाए, और जिनका भी अभी ज्वाइनिंग बाकी है वो भी प्रक्रिया जल्दी शुरू करने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पे आयोग के अध्यक्ष के साथ ही सभी 6 सदस्य, सचिव, परीक्षा नियंत्रक और वित्त नियंत्रक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया और उसकी प्रगति पर चर्चाएँ कर रहे हैं। इस भर्ती परीक्षाओं की स्थिति और उसके परिणाम के बारे में खासकर चर्चाएँ हो रही हैं। आयोग के अध्यक्ष प्रवीर कुमार ने परीक्षा नियंत्रक से इस संबंध में रिपोर्ट भी मांगी है। इसके साथ ही जो परीक्षाएं जो एजेंसियां थीं जिन्होंने परीक्षाएं कराई थी, उनसे भी बातचीत करने को जल्द कहा गया है, जिससे कि रिजल्ट को समय से जारी किया जा सके, क्योंकि काफ़ी भर्ती प्रक्रियाएं लेट हो रही हैं। सबसे ज़्यादा फोकस आयोग का लोअर PCS में है, क्योंकि ये इसका भी मेन सोना बाकी है, और इसमें आप सभी को पता है कि ये भर्ती 2019 के जनवरी की एप्लीकेशंस थे। अभी तक इसमें सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा कराई जा सकी है, 1.5 साल होने को हैं। तो ये भर्ती प्रक्रिया रही, अभी इस पर रिजल्ट आएगा, फिर मेंस का कार्यक्रम जारी होगा, फिर मेंस होगा, फिर मेंस का रिजल्ट होगा। काफ़ी लंबी प्रक्रिया अभी इसमें बाकी है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।